तो बात करते हैं एडीएचडी के नोट्स की। पीडियाट्रिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार एडीएचडी, मतलब क्या? इट इज़ द अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या है भाई? अटेंशन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है? तो ये है क्या? इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये, है ना? ये है क्या? ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय व्हाट? कैरेक्टराइज बाय परसिस्टेंट इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी एंड एक इम्पल्सिविटी देखने को मिलती है यार, जिससे क्या होता है, सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है लर्निंग एंड सोशल फंक्शनिंग में, कॉजिंग कजिंग सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट ऑफ लर्निंग एंड सोशल फंक्शनिंग। एंड मोर कॉमन किस में है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज मोर कॉमन इन बॉयज़। रिस्क फैक्टर की बात करें, अगर मदर जो है प्रेगनेंसी के समय अल्कोहल लेती है तो मैटरनल इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड मैटरनल स्मोकिंग ज़्यादा चांसेस कर देता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का। एंड म्यूटेशन अगर हो गया बच्चे के अंदर, म्यूटेशन ऑफ व्हाट? DAT, डैट वन जीन, तो उसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी है ना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है ना। ये हमने बात की अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ ADHD। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें ADHD की, तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ डिसरप्टिव बिहेवियर देखने को मिल सकता है इन स्कूल्स, हिस्ट्री ऑफ डिसरप्टिव बिहेवियर इन स्कूल्स। दूसरा है इनअटेंशन देखने को मिल सकता है, इनअटेंशन एंड अर्ली डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ओके, इम्पल्सिविटी देखने को मिल सकता है, इम्पल्सिविटी, अच्छा जो होगा बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए जोश में रहेगा, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। एंड बच्चे को डिफ़िकल्ट होता है यार कोई चीज़ को प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में, सो डिफ़िकल्टी देखने को मिलता है, डिफ़िकल्टी विथ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क। एंड ऑल्सो इमोशनल डिसेबिलिटी ऑफ इमोशनल लाइबिलिटी देखने को मिलता है बच्चे के अंदर, ठीक। तो ये हमने बात की अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स की। यार डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं ADHD का, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, है ना? DSM-5 क्राइटेरिया से, DSM-5 क्राइटेरिया से, जिसमें हम क्या करते हैं यार, परसिस्टेंट इनटेंशन की बात करते हैं, परसिस्टेंट इन अटेंशन की बात करते हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं, एटलीस्ट 6 मंथ तक अगर अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, अगर 6 महीने तक, तो भी यहाँ पे क्या हो सकता है, ADHD हो सकता है। एंड लेस देन 2 ईयर्स का बच्चा है अगर, है ना, ये इंटरफेयर कर रहा है बच्चा अगर, है ना, चीज़ें अगर इंटरफेयर कर रही हैं विथ सोशल एंड एकेडमिक बिहेवियर,
फिफ्थ है यहाँ पे, एंड इट इज़ नॉट सेकेंडरी टू अदर कज़, तो डायग्नोसिस बनाते हैं कि ADHD हुआ होगा, नॉट सेकेंडरी टू अनदर डिसऑर्डर। ये हो गया डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर एंड रिस्क फैक्टर। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे करते हैं टेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर का, पहले तो बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, बिहेवियरल थेरेपी यार यहाँ पे हम क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं टू दी चाइल्ड अबाउट, है ना, कौन से डिज़ायरेबल बिहेवियर हैं, कौन से नॉन डिज़ायरेबल बिहेवियर हैं, क्या आप करना आपके लिए अच्छा है क्या नहीं है, वो बताते हैं बच्चे को। ओके, सो फर्स्ट इज़ व्हाट, फर्स्ट इज़ बिहेवियरल थेरेपी, क्लियर इंस्ट्रक्शन टू चाइल्ड अबाउट डिज़ायरेबल एंड नॉन डिज़ायरेबल बिहेवियर। दूसरा हम किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट की बात करते हैं, अगर वो डिज़ायरेबल बिहेवियर करे तो उसको हम क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट टू डिज़ायरेबल बिहेवियर एंड ऑल्सो पनिशमेंट देंगे टू नॉन डिज़ायरेबल बिहेवियर, पनिशमेंट टू नॉन डिज़ायरेबल बिहेवियर। थी हमने बात की अबाउट दी बिहेवियरल थेरेपी। दूसरा है हम बात कर सकते हैं अबाउट व्हाट, मेडिकेशन, हम बात कर सकते हैं अबाउट मेडिकेशन लेस देन 6 ईयर्स में, यहाँ पे मेडिकेशन नहीं देंगे, जब 6 साल से बड़ा है और उसको ADHD हुआ है तो उसी केस में मेडिकेशन देंगे। यहाँ पे हम दो तरह की दवाई दे सकते हैं, एक होता है स्टिमुलेंट्स एंड एक होते हैं नॉन स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स जो होते हैं उसमें एग्जाम्पल की बात करें तो मिथाइल फेनिडेट, ये जो मिथाइल फेनिडेट है ये प्री सिनेप्टिक डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उसको स्टिमुलेट करता है प्री सिनेप्टिक, ओके, प्री सिनेप्टिक डोपा मिनर्जिक एगोनिस्ट है ये। एंड अगर नॉन स्टिमुलेंट्स की बात करें तो एटोक्सोमोक्सटीन जो है, एटोक्सो और एटोमोक्सटीन जो है वो नॉन स्टिमुलेंट है ना, एटोमोक्सटीन जो है नॉन स्टिमुलेंट है, क्या करता है ये नॉन एडिनर्जिक रीअपटेक इनहिबिटर है, जिससे एड्रेनलिन जो है उसका रीअपटेक नहीं होता, और एड्रेनलिन और सीराटोनिन जो होते हैं हमारे शरीर को अच्छा फील कराते हैं, ठीक है, गुड फील कराते हैं, ठीक है। दिस आर व्हाट, दिस आर नॉन और नॉर एड्रेनर्जिक, नॉन एड्रेनर्जिक रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। कि हमने बात की अबाउट दी मैनेजमेंट ऑफ ADHD यार, डायग्नोस्टिक कैसे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, रिस्क फैक्टर की बात की ADHD की, और ADHD होता क्या है, ज़्यादा कॉमन किस में है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन है, बच्चों में।